अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019 2019, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका आज हम पार्ट बी करेंगे, क्योंकि पार्ट सी करेंगे। पार्ट बी का सॉल्यूशन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में मैं इसको उसका लिंक दिखा दूंगा आपको, वीडियो के ऊपर शो हो जाएगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग क्या होती है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन बफरिंग क्या होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बफरिंग होती है, इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग कहते हैं। जब आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम हो जाएगा, बफरिंग किसे कहते हैं, देन आप इजीली इसको किसी भी टॉपिक के साथ रिलेट करके उसको आंसर कर सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं दोबारा बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग हो जाए या हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल बफरिंग या इंस्टीट्यूशनल बफरिंग हो जाए, ठीक हो गया, उन तमाम का तमाम मीनिंग सेम ही है। बफरिंग बफरिंग इज द रेगुलेशन एंड और इंसुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फंक्शन एंटिटीज और इंडिविजुअल्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और स्कार्सिटी। ठीक हो गया, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा या इसका क्या मीनिंग है। ये जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंस्टीट्यूशन होती है, उसको बदलते हुए एनवायरनमेंट या डिमांड्स या उससे, ये बेसिकली ये चीज़ ज़्यादातर यूज होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि मार्केट के का ट्रेंड देखा जाता है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड है, और इसी हिसाब से वो खुद को मैनेज करते हैं, ताकि वो अपनी डिमांड्स उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, उनके जो मार्केट वैल्यू उनकी ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकें। तो इसी तरह इसी चीज़ को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है ना या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सिक्योर रखना, ताकि बदलते हुए इन्वायरमेंट में वो खुद अपनी पहचान ना खो जाए या उनको कोई इफेक्ट ना हो जाए। ये देखें, इज द रेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, कवानीन बनाना, कोई जो उनके रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशन जो होती हैं वो होती हैं, उसको कहा जाता है रेगुलेशन। ठीक है, ब्रिंग बफरिंग इज द रेगुलेशन। और इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या होता है, यानी इसको कवर करना, इंसुलेट, जिस तरह कोई चीज होगी खाने वाली, आप उसको या कोई बेकरी की चीज, उसको इंसुलेट कर देते हैं, यानी इसको कवर कर देते हैं, ढांप लेते हैं जरासीम से बचाने के लिए या गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, उसको इसको कहा जाता है इंसुलेट, किस चीज को कवर कर लेना, रैप कर लेना। इंसुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको इंसुलेट कर लेना, बचाना। वो कैसे कर सकते हैं, वो उसको बदलते हुए जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह की वो मॉडर्नाइजिंग सिस्टम हुई जा रहा है, जिस तरह के आप देख रहे हैं दुनिया में तरक्की होती है, या कह लें अभी डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिस तरह दिन ब दिन जो अपडेट होती रहती है, क्योंकि अब तो इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा, ये कह लें ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम रह रहे हैं। तो इस तरह उन डिमांड्स के हिसाब से, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से अपडेट करती रहती है, ताकि वो जदीद माहौल में सर्वाइव कर सके। इसको कहते हैं इंसुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फंक्शंस एंटिटीज और इंडिविजुअल, और अपने वो जो इनके इम्प्लॉयज होते हैं उनको भी इसी हिसाब से वो ट्रेन करते हैं। ठीक हो गया, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और स्कैर्सिटी, बदलते हुए माहौल या तकाजों के मुताबिक खुद को चेंज करता रहना और डालते रहना, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वो पुराना ना लगे, यानी कि उसमें जिद्दत आती रहे, और जो बदलते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक ऐसी स्ट्रक्चर ना बन जाए जो कि कह लें कि वो उसको कहा जाए कि वो बदलते हुए वक्त के तकाजों के साथ नहीं चल सकता। ठीक हो गया, इसलिए उसको खुद को रेगुलेट करना पड़ता है, इंसुलेट करना पड़ता है, और अपने इम्प्लॉयज को उसी हिसाब से अपडेट करना पड़ता है, अपने फंक्शंस को अपडेट करना पड़ता है, और तमाम का तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसको भी बेहतर करना पड़ता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सके।
इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग। सिंपल वर्ड्स में क्या लिखो, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बेहतर करते रहना, और अगर माहौल एनवायरनमेंट में या जदीद दौर में कोई ऐसी अपडेट्स आ गई हैं जिसके बगैर कह लें कि कोई चारा नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका कोई ना कोई हल निकालना, ठीक हो, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग। ऑर्गेनाइजेशन जनरली आर मोर इनोवेटिव, रेलिवेंट एंड रिस्पॉन्सिव वेन दे आर एक्सपोज टू मार्केट इन्फ्लुएंसेस, येट दे मस्ट रेगुलेट और लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस टू ऑपरेट एफिशिएंटली, ठीक हो। ये वही चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। दिस डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट टेंशन हैज इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ सेवरल मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बफरिंग विच डेलिनेट द सिस्टमैटिक एक्सपोजर एंड इंसुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। देर आर थ्री बफरिंग पैराडाइग्म्स, वो हैं कोर, मिनिमलिस्ट एंड डिस्पर्स्ड। द की टू अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल बफरिंग लाइज विद ऑर्गेनाइजेशन रिक्विजिट वैरायटी एंड कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। एक मैं आपको बता दूंगा, आप माशाल्लाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे एज अ CSP ऑफिसर, आपको मैं देखूं और आप यहाँ पर वो शेयर करें अपने फिर बाद में एक्सपीरियंसेस, तो अल्लाह को काम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इसका जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ये ऐसे ऐसे वो टॉपिक्स दे देते हैं, मैं आपके साथ अभी ये शेयर करता हूँ। अब इस पेपर को देखें, ये देखिए पहला क्वेश्चन कितना इजी उन्होंने पूछा, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन करनी है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का आपस में रिलेशन आपने बताना है। कितना इजी है ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली अ सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, आर्ग्यू इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। ये देखें, ये क्वेश्चन दो पार्ट्स हैं इसके। इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली अ सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, यहां तक तो बहुत ईजी है, आप अपनी राय दे सकते हैं जितनी चाहे मर्जी इसको एक्सप्लेन कर लें। सेकेंड पार्ट है, आर्ग्यू इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। अगर किसी पर्सन को पता ही नहीं भाई ये जॉन रॉल्स हैं कौन, ना तो सिलेबस में बकायदा इनका नाम है, सिलेबस में जस्ट यहाँ है कि थ्योरीज, तो थ्योरीज तो बेबहा है, इतनी काफी थ्योरीज। ये भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ, आप देख सकते हो, ऊपर वाला भी किया। चलो मैं तमाम को पहले डिस्कस करूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे कहने का मकसद क्या। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन हेल्सी एंड ब्रंचर सिचुएशनल थ्योरी एंड हाउस पाथ गोल थ्योरी, विच वन डू यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर कंटेम्पररी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड वाई। ये देखिए कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ये बहुत ज्यादा डीपली कह लें कि स्टडी जिनकी हो या बहुत ज्यादा नॉलेज उनके पास हो, वो इन क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते, इसको और खास और इसका सेकेंड पार्ट, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये है कोई भी इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन याद करना या थोड़ी सी उसका कंसेप्ट क्लियर होना, इससे काम नहीं चलता, उसको बकायदा आपने इसको सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करना है, फिर आपने ये बताना है पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में क्या माहौल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें आप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये मेरे मुताबिक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जस्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक हो गया। बाकी थोड़ी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक नॉलेज हो तो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, एक्सप्लेन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, डू यू थिंक दैट द मेजर मेथड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवेंसीज इन पाकिस्तान आर एडिक्वेट, आर्ग्यू योर केस। ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 7th आ गया, डिस्कस इन डिटेल द बजटिंग प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान, डू यू सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस, डिस्कस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहां तक हो। और 8th क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग। चले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अक्सर बात थी, आपने जो पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है आपने क्या करना है, उनको इसी तरह देखें कि आप तक जो आपका नॉलेज है या आप के पास जो
इंफॉर्मेशन है जो जहां तक आपके कंसेप्ट, आप देखें कि आपको बेसिक सिंपल इनकी जो 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 वर्ड यूज हुए, इनके डेफिनेशन मालूम है या इनका बेसिक कंसेप्ट मालूम है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद रिलेशन इन दोनों का, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर किसी को ये भी नहीं ना आता तो उसको चाहिए कि वो सोच ले कि क्या वो उसको ये सब्जेक्ट रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें आपको लाजमी पता होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें डेवलपमेंट क्या हुई, इसमें लेटेस्ट जो टेक्नो थ्योरीज हैं इसके मुतालिक वो कौन सी ज़्यादा है उसके ऊपर काम, और जिस तरह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होगी, ठीक हो गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इसके बारे में, और इसके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ें, और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल और साइंटिफिक मॉडल जो टेलर का है, इन चीज़ों के बारे में आपको लाजमी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं दोबारा बता दूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने सब्जेक्ट रखा है तो उसकी बेसिक्स को तैयार कहाँ से करें, आप पहले पता करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, उसमें अभी लेटेस्ट क्या काम, इसके लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर के नाम से एक वीडियो बनी हुई वो देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके बाद आप इसका रिलेशन खासतौर पर पोलिटिकल साइंस के साथ क्या है, यानी कि पोलिटिक्स के साथ क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होगी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी और पब्लिक सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटोमी होगी। उसके बाद जो मैक्स वेबर उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो जो हैं वो टेलर हैं साइंटिफिक मेथड वाले वो हो गए, और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल सॉरी वो मैक्स वेबर का ही है, और उसके बाद हैं वुड्रो विल्सन, उनका बहुत ज़्यादा काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों के आपके पास बेसिक होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये बाद वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास थोड़ी सी और हो जाएगी तो आप इसका जो हाफ है उसको कर सकते हैं। अगर ये वाला जो हाफ है वे तो आप सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस करने के आपके पास सलाहियत है देन आप इसको आंसर कर सकते हैं। और सेकेंडली वह जो प्रोसीजर है ये इसके थ्योरीज के मुतालिक आया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद ये वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ये यहाँ अगर आपको ये नहीं भी ना तो आप परेशान मत हो, इस तरह के क्वेश्चन दो तीन आते हैं। मकसद ये है अगर आपने पास जो पेपर है 5 साल के, उसमें ये देखना है कि आपको 4 से 5 लाजमी आने चाहिए। अगर 4 तो आ गए ना आपको, समझ लें आपकी मोर देन 50% तैयारी हो चुकी है। अगर आपको 5 क्वेश्चन 5 सालों के पिछले की तैयारी हो गई तो समझ ले आपकी 60 to 70% तैयारी होगी। तो इसी तरह आप बढ़ाते जाएं, अगर आपको तमाम ही क्वेश्चन आ गए तो फिर समझ ले आपकी 80 to 85% होगी तैयारी। फिर भी मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि ये पास्ट पेपर में 80% तक वो कह लें कवर हो सकता है आपका। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई उसकी तमाम की तमाम डायमेंशन को आपने कवर करना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस तरह जो 50 to 80% की जो मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ ना, तो तब हो सकती है। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी पिछली वीडियो में आप देख स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही कह लेंगे इंजॉय करने वाला ये है बस। उसके बाद एक्सप्लेन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर थी, ये कह लें कि आपके क्रिटिकल एनालिसिस पर है, आपकी कह लें कि जजमेंट के ऊपर है। समटाइम्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आप उसकी जस्ट डेफिनेट उसके वर्डिंग को देख परेशान हो जाते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, कि भाई ये तो मैंने सिलेबस में नहीं कहीं देखा, इसकी पब्लिक एडमिशन की पूरी मैंने तैयारी के दौरान नहीं देखा। तो आप खुद से यार इसको जज करें ना, इसमें क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, कि डिस्प्यूट को जब सेटल करते इसका प्रोसेस क्या है, मेथड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, ये आपने खुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। तो इस तरह के अनजान बिन बताए क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको उसी वक्त उसके ऊपर जजमेंट अपनी करनी होती है। उसके बाद डिटेल्स इन द बजट प्रोसेस, ये तो बकायदा सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको बजट के ऊपर अक्सर मोस्टली ये आता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, तो उसमें बजटिंग बहुत बड़ा अहम किरदार, क्योंकि बजट के ऊपर ही तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, टैक्स वगैरह ये तमाम, और उसी पैसों से इनको सैलरीज वगैरह मिलती हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जो होता है इसी के ऊपर इनसार करता है बजट के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए बजट सिस्टम क्या है और इसकी टाइप्स हैं बकायदा,
उसके ऊपर भी पूछा जाता है अक्सर, और आप अपने अपनी राय भी देनी होती है। तो इसकी भी ये बहुत अच्छी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल। उसके बाद ये बाकी ये इस तरह की सिंपल सी डेफिनेशन आती रहती हैं, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग, टाइप्स ऑफ डिस, इस तरह के मिलते जुलते कर लेंगे। ये देखें ना जिस तरह डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, ये यहाँ पर भी पूछ सकते थे, ठीक हो गया। या सिंपल इस तरह पूछ सकते हैं व्हाट इज बजट, या जीरो बजट क्या होता है, इंक्रीमेंटल बजट, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपकी इस तरह माशाल्लाह तैयारी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह एक दिन CSP ऑफिसर लाजमी बनेंगे या PMS ऑफिसर बनेंगे, या इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोज़ पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।